आज आप जागे हो तो यकीनन आज आपका जागना कल कयामत में यही निजात का सवाल है। वरना पूरी दुनिया सो रही है और आप जाग रहे हैं। देखने में तो लगता होगा जो वो गर्म गर्म नर्म नर्म भीतर में है वही बड़े फायदे, लेकिन नहीं, दर हकीकत जो गर्म 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 भीतर और नर्म नर्म भीतर में खामोश है और आप इस सर्द लहरी की आप जागे हो, बैठे हो और नाते रसूल सुन रहे हो, यकीनन यही आप निजात का सामान है। सोया तो आप रोजाना करते हैं, सोना इंसान की फितरत, वो सोना नहीं जो गोल्ड होने वाले जिस पर सरकार पूरी तरह कंट्रोल हो, वो सोना नहीं बल्कि वो सोना जो आप सोना चाहेंगे तो भी नींद आएगी और ना सोना चाहेंगे तो भी नींद आएगी, मगर सोने से पहले आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप ऐसे सोए जैसे रसूल गिरामी बेकार सोया करते थे, तो आप सो भी रहे हो और रहमत किरदार रहमत किरदगार आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं। तन बिस्तरे रसूल का दिल अच्छे आत्मिया दुनिया समझ लेती रही थी कि उन्हें नींद आ गई। मेरे आका सोने के लिए नहीं आए थे, वो तो कायनात की तकदीर है, लेकिन मेरे आका ने कभी कभी आंखें कभी कभी पलके जरूर बंद कर दी, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागा। तो रसूल ने जो कभी कभी पलके बंद कर दी है ताकि इसलिए कि हमें भी सोने का तरीका आ जाए, ऐसे सो जैसे रसूल गिरामी बेकार, रसूल खाने के मोहताज नहीं थे लेकिन खाओ ऐसे खाओ जैसे रसूल गिरामी बेकार खाया करते थे, लेकिन आज तो आप देखेंगे कि इंसानियत को इश्तराकियत के खानों में बांटने के बाद इंसान की पूरी जिंदगी को माश का मुहताज बना दिया गया, इंसान की पूरी जिंदगी को रोटी का तवाज करते हुए दिखाया गया। हम भी कहते हैं रोटी जरूरी है, हम भी कहते हैं खाना जरूरी है, हम भी कहते हैं कपड़ा जरूरी है, हम भी कहते हैं खाना जरूरी है, मगर इतनी नहीं जितना कि कम्युनिस्ट कहते हैं, इतना नहीं जितना कि कार्ल मार्क ने महसूस किया था, इतनी नहीं जितनी कि लेनिन ने पैगाम दिया था, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि खुर्दत बनाए जिस तरह लेकिन जिद्दत बनाए खुर्दत। पहले लोग आया इसलिए करते थे ताकि जीत सके और अब लोग जीते इसलिए है ताकि खा, इसलिए उनकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं रह जाते, मकसद से पूरी जिंदगी खाली हो जाती, खाए खाने की अहमियत से इनकार नहीं किया जाता, मगर ऐसे खाए जैसे रसूल के नाम में खाया जाता, वरना मेरे रसूल खाने के मोहताज नहीं थे,
सच पूछो तो किसी ने भी मेरे आका को खाता हुआ नहीं देखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अय्युकुम कुफ्री व युद्धामनी रब्बी व इस्तेदी, तुम्हें कौन है मेरे जैसा, मुझको तो मेरा परवरदिगार खिलाया पिलाया करता है, तुम्हारी भूख 10 साल पर पिता करती है, मेरी भूख अरबी भूख पर पिता करती है, तुम 10 साल पर आसुदा होते हो, मैं मुकाबे कुफ में आसुदा होता हूँ, इसलिए तुम्हें कोई मेरे। लेकिन इसके बावजूद मेरे आका ने खाना जरूर खाया है, लुक्मे जरूर खाई है, इसलिए ताकि हमें कभी भी खाने का तरीका आ जाए, ताकि हमें भी खाने का तरीका आए। मेरे रसूल चलने के वो टाइम नहीं थे, लेकिन कुछ बदनसीबों ने मेरे आका को चलते हुए देखा तो अपने जैसे माले हाजर रसूल या करता यज्ञ फिर इस्वा, ये रसूल कहते हो सकते, ये तो बाजारों में चलते, बाजारों में चलने वाला रसूल होता है, खाना खाने वाला रसूल हो सकता है, मजदूरी करने वाला रसूल हो सकता है, ये बोलिया नसीब रसूल हो सकता है, ये मुशरिकीन पक्का ने कहा, ये अबू जहल ने कहा था, ये अबू लहब ने कहा था, और वही अकीदा फिर वहाबियों ने अपना दिया है कि रसूल को चलता हुआ देखा मेरे भाई कह दिया, रसूल को मुस्कुराता हुआ देखा तो अपने जैसा समझ लिया, रसूल को खाता हुआ देखा तो अपने जैसा समझ लिया, रसूल को सोता हुआ देखा तो अपने जैसा समझ लिया। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया बड़े बदनसीब हो तो यकीन तुमने मेरे आका को मक्के में चलते हुए जरूर देखा था, मदीने में चलते हुए जरूर देखा था, जमीन पर चलते हुए जरूर देखा था, धरती पर चलते हुए जरूर देखा था, फर्श पर चलते हुए जरूर देखा था, मगर आजकल बतौर पर चलते हुए नहीं देखा था, और इन्हें दूर चलते हुए नहीं देखा था, मुकाबले पक्ष में चलते हुए नहीं देखा था, वहां तुमने मेरे आका को चलते हुए नहीं देखा था, तो खोता की तजल्ली ये मेरे बालों पर वो जला डाले, जिब्रील चलने से आ जाते और मेरे आका चलते हुए चले जाते, जहां जिब्रील न चल सके मेरे आका उससे आगे चलते हुए चले जा रहे हैं। बोलो फिर तुम कैसे कहते हो कि रसूल मेरे जैसे, तुम भी तो चल के जरा से दिखाओ, तुम भी तो जरा से इस तरह से जिंदगी गुजार कर दिखाओ। जिताने मिल्लते इस्लामिया।